पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप, एलपीजी के अलावा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। नीतीश कुमार के लॉकडाउन संबंधी ट्वीट पर सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी ने कहा कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना। बिहार सरकार में शामिल जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने लॉकडाउन लगाए जाने पर कहा है कि न्यायालय की टिप्पणी के बाद सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले से बिहार में गरीब तबका निराश हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने फ्री राशन देने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान से करीब 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे। शासन के आदेशों के मुताबिक इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी स्थगित रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज 14वें दिन भी सुनवाई जारी रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार की फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, हमने। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस पर कंगना ने कहा है कि ट्विटर ने केवल मेरी बात को साबित किया है कि वो अमेरिकी है और एक सफेद व्यक्ति को जन्म से ही एक भूरे रंग के व्यक्ति को गुलाम बनाने का हक लगता है। मुंबई में कोरोना महामारी के खतरे के बीच अब लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने मुंबई की कोहिनूर सोसाइटी की पार्किंग लॉट में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। जेईई मेन अप्रैल परीक्षा के बाद अब जेईई मेन मई 2021 की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।